परम आराध्य सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी द्वारा रचित यह एक कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यौवन के मधुमादकता किस लय कर अधर सलोने, मुख नयन कमल से कोमल अमृत मयंक छवि सोने, रसमय मित्रों का मंडल ओ दान पुष्प से संको, ज्योतिष शरद चंदन की मन में प्रसाद सुमंजु, बिंदु बदनी मृग नैनी हो मन हर सुत सुता सुसीने, भव सुख मकरंद मधुक तुम बन करके छल छबेले, क्षण भंगुर ताइन सब के जब दृष्ट पात होते है, तब माथा पकड़ अविद्या सिर दे दे कर रोती है, भोगों की ललित कहानी स्वासत से चली आई है, इस मृग तृष्णा के जल में सबने धोखा खाई है, सुख ढूंढ रहे तुम वन में गिर गौवर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाया वह है तेरे अंदर में, तेरे ही अंतस तल में सुख सागर लहराता है, पर तो विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है, घर में वन में मंदिर में चौराहों बाजारों में सेठों के गोदामों में नृप के कोषागारों में, पूरब में वापस में नभ के तारों तारों में, सुख शांति नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में, जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में, इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में,
इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में।